सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ नंबर का यूनिट है ना, फोर्थ नंबर की यूनिट, बाकी हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया है। फोर्थ नंबर की यूनिट में हमको देखना है, यूनिट का नाम है हमारा वेव ऑप्टिक्स। क्या है? वेव ऑप्टिक्स। आपको भी बोलना है ना जब पूछूंगा तो, ठीक है, एकदम पीड़ित अवस्था में नहीं रहना। कई लोग एकदम वो हो रहा है उसको छोड़ दो, एकदम नेचुरली जैसा होता है वैसे कीजिए, है ना। आपको समझ आना चाहिए टॉपिक। देखिए यूनिट नंबर फोर स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसमें हमारा टॉप यूनिट का नाम है क्या, वेव ऑप्टिक्स। इस वेव ऑप्टिक्स में हम कल 5 पॉइंट बताए थे, कौन कौन सा, एक तो हमारा इंटरफेरेंस, ठीक, न्यूटन्स रिंग, एंड न्यूटन्स रिंग के बाद फ्रेनेल बाईप्रिज्म, फ्रेनेल बाईप्रिज्म के बाद डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग के बाद रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। ये हमको इस यूनिट में लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट कहना चाहिए आपके कॉन्सेप्चुअल। ये सभी टॉपिक को लेके चलता है एक ही टॉपिक, वो है हमारा क्या, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को हमको आज देखना है, इंटरफेरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। आप 12th लेवल में पढ़ के आए होंगे जिसको हम लोग व्यतिकरण कहते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? व्यतिकरण, है ना। व्यतिकरण हम सिंपल बोलते हैं कि भाई दो वेव को लेके, है ना, एक वेव को दूसरे ऊपर के क्या कराते हैं, अध्यारोपण कराते हैं। ये फर्स्ट वेव, वी टेक सेकेंड वेव, है ना, दोनों को क्या कराते हैं, सुपरपोज कराते हैं। सुपरपोज कराने के बाद हमारा कहीं पर एक मैक्सिमम इंटेंसिटी आता है और कहीं पर हमारा मिनिमम इंटेंसिटी आता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी बोलने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी, है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के जो कॉन्सेप्ट को बताएगा, फिर इसके टाइप्स को देखेंगे, है ना, वन बाई वन इसको हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस का डेफिनेशन, उसके बाद उसके टाइप्स, है ना। स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलता है इंटरफेरेंस का डेफिनेशन? व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवल अप्रोक्सीमेटली इन द डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं, सेम डायरेक्शन, है ना। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वेव को राइट साइड कर रहे हो और एक वेव को लेफ्ट साइड कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है हमको। किस डायरेक्शन में लेके जाना है? सेम डायरेक्शन। एंड हैव अ फेस डिफरेंस दैट रिमेन कॉन्स्टेंट विथ टाइम, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, फिर क्या बोला, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव इज कॉल्ड व्हाट, इंटरफेरेंस। यहां पर हमको दो तीन चीज को समझना है। फ्रीक्वेंसी तो आप लोग जानते हो, है ना, यहाँ पर दो चीज नया नया टर्मिनोलॉजी है, वेव, वेव आप लोग समझते हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की मीनिंग भी आप लोग जानते हो, है ना। यहाँ पर सेम डायरेक्शन की मीनिंग भी आप समझ जा रहे हो क्या बोल रहे हैं। फेज डिफरेंस थोड़ा सा आप लोग के लिए नया हो सकता है, तो फेज डिफरेंस यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। सपोज मान के चलो ये इस टाइप से ले रहे हो, है ना, फेज डिफरेंस मान के चलो यहाँ से आप चालू किए, ये फर्स्ट वेव है, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वेव। इस वेव को नाम देते हैं हमारा ए, ठीक। इसी प्रकार हमारा एक सेकेंड वेव लेते हैं जो और कहीं से थोड़ा से उसका टाइम चेंज होके आ रहा है, ठीक है, वो हमारा इस टाइप से है, इसको हम देते हैं क्या, वेव नंबर बी, ठीक। अब फेज डिफरेंस क्या बोलते हैं, फेज तो या फिर इस वाले पॉइंट से लो या फिर ये वाले पॉइंट से लो। ये फर्स्ट वाला वेव है ना, ये वाला फर्स्ट वेव है, ये फर्स्ट, ठीक, और ये वाला हमारा क्या है, सेकेंड, ये वाला क्या है हमारा, सेकेंड। या तो आप लाइन से लो, ये वाला जैसे इस लाइन पे मिला और सेकेंड वाला भी ये लाइन पे मिला, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा फेस डिफरेंस। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कई बार इसमें एम्पलीट्यूड भी यूज हुआ है ना, एम्पलीट्यूड को भी जान लेते हैं इसमें। एम्पलीट्यूड मतलब किसी वेव का कितना फैलाव है, ठीक है, ऐसे जा रहा है इस टाइप से, तो अपर पोर्शन से लेकर लोअर पोर्शन तक का जो गेप है, ये हमारा क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। जैसे यहाँ से ये ऊपर है और ये हमारा नीचे है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग शॉर्ट नेम क्या बोलते हैं, ए से बोल देते हैं, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हो आयाम, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये एकदम बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पर हमारा इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट समझ गए कि, और यहाँ पर एक चीज़ और है, सुपर पोजिशन आया है हमारा, ये सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स। सुपर पोजिशन का मतलब होता है कि वन वेव को दूसरे वेव के ऊपर क्या कराना,
चलाना, जैसे है ना, इसके एक के ऊपर दो का फ्लो कराना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण। अध्यारोपण में क्या होता है, एक वेव लिए हो उसी के ऊपर कोई दूसरा वेव चला रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा एक सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल कहलाता है, एक अलग सा टॉपिक है, उसको और कभी देखेंगे, लेकिन आप सिंपल यहाँ पर समझ जाइए कि सुपर पोजिशन की मीनिंग क्या हो रहा है। सुपर पोजिशन की मीनिंग यहाँ पर ये है कि वो दो वेव को आप क्या कराओगे, एक दूसरे के ऊपर वेव ओवरलैप कराएंगे, तो ओवरलैप कराना ही क्या कहलाता है हमारा, सुपर पोजिशन, ठीक। तो डेफिनेशन क्लियर हुआ इंटरफेरेंस का, कि क्या कराना है, वेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी, सेम फ्रिक्वेंसी है ना, मतलब दोनों को सेम लेना है, दोनों को अलग अलग नहीं लेना, दोनों को क्या लेना है, सेम फ्रिक्वेंसी ट्रेवल अप्रोक्सीमेटली इन द सेम डायरेक्शन एंड हैव अ फेस डिफरेंस दैट रिमेन कॉन्स्टेंट। दोनों का फेस डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। विथ टाइम द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सुपर पोजिशन, है ना, सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। एकदम सिंपल वर्ड में यदि मैं बताऊं, आपको दो वेव लेना है, दो वेव को आपको सुपर पोस्ट कराना है, एक के ऊपर दो, कहीं पर है ना जो सुपर पोस्ट कराएं, है ना, कहीं पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, कहीं पर मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगा, तो इस पूरे फेनोमेना का ही कहाँ बोलते हैं हम लोग, इंटरफेरेंस कहा जाता है। ये जो प्रोसेस कर रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्लियर हुआ, हाँ या ना, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ इसके टाइप्स की ओर, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, है ना। तो हम बेसिकली हम लोग दो प्रकार का हम लोग इसके टाइप्स देखेंगे, फर्स्ट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेकंड इज व्हाट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डेफिनेशन देखने से पहले मैं आप लोग एकदम सिंपल मीनिंग बता देता हूँ कि इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस में कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो सुपर पोजिशन वेव का करा रहे हैं, सुपर पोजिशन वेव का करा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कहीं पर मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगा और कहीं पर मिनिमम इंटेंसिटी बनेगा। सपोज यहाँ पर मैं कोई एक आध लाइट ऑन करता हूँ, लाइट ऑन करने के बाद जहाँ पर या नीचे वाले में क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, है ना, मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, उसकी तीव्रता क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। मैं दोनों लाइट को ऑन कर दूंगा, दोनों सेम पावर का है, दोनों को ऑन किया मैं, ठीक है, और नीचे में जैसे आ रहा है, तो नीचे में आने के बाद क्या हो जाएगा, उसका ब्राइटनेस नीचे वाला सेंटर वाला पार्ट ब्राइट होगा, नो डाउट, ठीक है, जैसे ही आएगा तो ब्राइट होने के कारण क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब भाई अब सेंटर में तो ज़्यादा आ रहा है मैक्सिमम, उसके बगल में क्या हो रहा है, हमको कम दिख रहा है, अंधेरा थोड़ा सा आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिनिमम इंटेंसिटी। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के बीच का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बेसिकली हमारा जो क्या बोलना चाहिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, जहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा वहाँ पर क्या बनेगा हमारा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ पर मिनिमम बनेगा वो क्या कहलाएगा हमारा, डिस्ट्रक्टिव। डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलते हैं, एट सम पॉइंट्स द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मैक्सिमम इंटेंसिटी को क्या बता रहे हैं, मैक्सिमम। द इंटरफेरेंस एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको आप लोग हिंदी में संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के नाम से जानते होंगे, 12th लेवल हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। तो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट इतना ही पता होना चाहिए अभी, है ना, कि भाई दो वेव का हम सुपर पोस्ट करा रहे हैं, सुपर पोस्ट कराने पर कहीं पर मैक्सिमम कहीं पर मिनिमम, ये जो प्रोसेस जो हो रहा है वो हमारा इंटरफेरेंस में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको टू टाइप्स देखें, फर्स्ट जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या बोल रहा है, जो हमारा इंटेंसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा, डिस्ट्रक्टिव में क्या बोलेंगे, कहीं पर क्या होगा, मिनिमम, कहीं पर क्या होगा, मिनिमम होगा। एट सम अदर पॉइंट्स द इंटेंसिटी इज मिनिमम एंड द इंटरफेरेंस एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ तक क्लियर हुआ, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, इस तरह से हमारा खत्म होता है। लेकिन यदि इसका एग्जांपल देखेंगे, बेसिक एग्जांपल, तो आप देखे होंगे कि बरसात के दिनों में जब गाड़ी का जो ऑयल है वो जब नीचे गिरता है, ठीक है, तो वाटर के साथ मिक्स होकर वो एक लेयर बनाता है, 7 कलर दिखाई देता है हमको, देखे होंगे, ठीक है। पेट्रोल जैसे भराते हो, पेट्रोल भराते समय क्या होता है, पेट्रोल टंक जो हमारा टैंक होता है उससे बगल में थोड़ा बहुत पेट्रोल आ जाता है, यदि सनलाइट उसमें इंसिडेंट होता है वो भी कलर दिखाई देते हैं हम लोग, तो वो सब किसके कारण होता है, इंटरफेरेंस के कारण।
किसके कारण होता है? इंटरफेरेंस के कारण। ठीक है, इसमें इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट में एक चीज और बताना था मुझे आप लोग को, इसमें किधर मिटाऊं मैं आपको, इधर मिटा दूं, इसको मिटाऊं। जैसे यहां पर मैं बोल रहा हूं कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, ठीक, थोड़ा इधर और मिटाते हैं अपन। इधर मैं दे रहा हूं डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, दोनों ही इंटरफेरेंस है ना, मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये जो बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें हमारा कौन इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी बताएं आप लोग, इंटेंसिटी तो मैक्सिमम रहेगा। अब यहां पर देखो, जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा वहां पर कैसा फ्रिंज बनेगा, थोड़ा इसका आगे का टॉपिक है, इसमें लेके चल रहा हूं मैं साथ में। तो यहां पर ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा, जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी वहां पर कैसा फ्रिंजेस बनेगा, डार्क बनेगा, ब्राइट बनेगा ना, कैसा बनेगा हमारा, कैसा बनेगा हमारा, ब्राइट, ब्राइट फ्रिंज कहेंगे, कैसा बनेगा हमारा, ब्राइट फ्रिंज। डिस्ट्रक्टिव में देखेंगे तो डिस्ट्रक्टिव में कैसा हो रहा है हमारा, इंटेंसिटी कैसा है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भाई बताएं जिसमें मिनिमम बनेगा डार्क, डार्क फ्रिंज। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक करना है, इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक खत्म। ठीक है, कल अपन देखेंगे